नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा बॉर्डर डिजाइन लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। आप नॉर्मल बॉर्डर की जगह अपने प्रोजेक्ट में इस बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर है ये। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए। ऐसे 3-3 फंदे गिने तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है वैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो आप इसे पहली लाइन समझें, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1 और 2। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से हम एक सीधा फंदा बना लेंगे। हमने 2 का 1 किया। अब चूंकि एक फंदा हमारा घट गया इसलिए अब हम ऐसे पहले वाला जो हमारा फंदा है उसको उठाएंगे और एक बार और इसमें पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अब हमारे फंदे वापस जितने थे उतने हो गए। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1 और 2, और बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से हम उसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 किया, एक फंदा घट गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम पहले वाले फंदे को उठाएंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब ये हमारे वापस 2 के फंदे, 2 फंदे से 2 फंदे हो गए। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। चूंकि 2 का 1 किया हमने, एक फंदा घट गया। इसे बैलेंस करने के लिए अब हम पहले वाले फंदे को उठाएंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमारे 2 के वापस 2 फंदे हो गए। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1 और 2, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब चूंकि एक फंदा घट गया इसलिए हम पहले वाले फंदे को उठाएंगे और वापस इसमें बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारे 2 के वापस 2 फंदे हो गए। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। 2 फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, उनको दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब पहले वाले फंदे को उठाएंगे और वापस बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। 2 का वापस 2 हो गया, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। 2 फंदा को लेकर 2 फंदे को लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, पहले वाले फंदे को उठाएंगे। तो इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तो हमने लाइन 3 फंदों को दोहराते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, दूसरे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर। अब देखिए ये फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर देखिए, ये हमने 2 फंदों का, ये हमारा सीधा वाला फंदा है जिसे हमने 2 फंदों को लेके बुना था। तो 2 फंदे हैं तो इसके पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर देखिए, ये 2 फंदे उल्टे हैं जिसे हमने सामने से सीधा बुना था। ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इसमें से पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे।
दूसरे वाले फंदे में ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, जैसे हम उल्टा बुनते हैं वैसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे। इसे स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा है, इसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर दो फंदे उल्टे हैं, पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर देखिए दो फंदे उल्टे हैं, तो पहले वाले फंदे को हमें बुनना है, उल्टा बुनना है, दूसरे वाले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीन फंदों का और दो ही लाइन का ये डिजाइन है। ये खूबसूरत सा बॉर्डर, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, पीछे से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, सामने से ऐसा। तो आप अपने नॉर्मल बॉर्डर की जगह इस बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये बॉर्डर डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।